नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में हुई हत्या और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा इसके लिए भारत को जिम्मेदार ठहराने पर दोनों देशों के संबंध निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। सबसे पहले कनाडा ने भारतीय राजनयिक को निकाला, जिसके जवाब में भारत ने भी ऐसा ही किया। फिर दोनों देशों ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी और अब कनाडा कोशिश कर रहा था किसी तरीके से G7 के देश अपने संयुक्त बयान में इसका जिक्र कर दें और यदि G7 के देश न करें तो 5 Eyes कर दें। लेकिन इन दोनों संगठनों ने किनारा कर लिया। कनाडाई मीडिया के मुताबिक करीबी सहयोगी 5 Eyes कनाडा का पक्ष लेने के लिए तैयार नहीं हुए। संबंधित देशों ने कहा कि दावे की गहराई से जांच होनी चाहिए। कनाडा एक खुफिया गठबंधन 5 Eyes नेटवर्क का हिस्सा है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड शामिल है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के हवाले से ये भी खबर है कि अधिकांश G7 देशों ने ट्रूडो की सप्ताह भर चली पैरवी को खारिज कर दिया। जस्टिन ट्रूडो ने निज्जर की हत्या को भारत के साथ उच्चतम स्तर पर उठाने और एक संयुक्त बयान जारी कर इसे अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का उल्लंघन बताते हुए निंदा करने के लिए कहा था, लेकिन G7 इसके लिए तैयार नहीं हुआ। वहां पर जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक चल रही है उससे इतर ये बयान जारी कराना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो न सका। ट्रूडो को ये उम्मीद थी कि अगर G7 नहीं तो कुछ 5 Eyes देश भारत सरकार के समक्ष इस मुद्दे को उठाएंगे। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका सहित कनाडा के सभी पश्चिमी सहयोगियों ने उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और इसे नज़रअंदाज कर दिया। भारत के खिलाफ पश्चिम को एकजुट करने की कोशिश कर रहे थे और इसी पे अपनी भारत यात्रा में भी वो लगे हुए थे। आपको बता दें कि जस्टिन ट्रूडो, जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक G20 की बैठक में भी इस मुद्दे को उठाना चाहते थे, लेकिन जिस भी देश से उन्होंने सलाह की सब ने उनकी बात को खारिज कर दिया, लिहाजा वो इसे उठा ना सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जस्टिन ट्रूडो की जो मुलाकात हुई थी उसमें इस मुद्दे को लेकर के तनातनी हो गई थी और मोदी ने साफ साफ कह दिया था कि अलगाववादी गतिविधियां और अपने नयिकों पर हमला या धमकी भारत कतई नहीं बर्दाश्त करेगा और इसके बाद ही और तनातनी बढ़ी। G7 विदेश मंत्रियों की बैठक के अध्यक्ष के रूप में जापानी विदेश मंत्री कामिकावा एको द्वारा जारी बयान के टेक्स्ट में निज्जर हत्या या भारत का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। मंगलवार को न्यूयॉर्क में बैठक में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, अमेरिका और यूरोपीय संघ के G7 विदेश मंत्रियों ने रूस, चीन, इंडो पैसिफिक, उत्तर कोरिया और नाइजर की आलोचना की, लेकिन भारत का कोई जिक्र नहीं किया। आपको बता दें कि कनाडा में सिख काफी संख्या में रहते हैं और जस्टिन ट्रूडो की पार्टी उनके प्रभाव में है, लिहाजा जो अलगाववादी खालिस्तान समर्थक गतिविधियां वहां पर चलती है उसमें कनाडा सरकार का नरम रुख रहता है। बात यहीं तक होती तो भी एक बात थी, लेकिन अब उससे आगे निकल गई थी। सीधे सीधे भारतीय राजनयिकों को धमकी दी जा रही थी और वहां पर अवांछित गतिविधियां चला रही थी। भारत बार बार कनाडा से कह रहा था कि इसे रोकिए, लेकिन कनाडा रोकना तो दूर और उसे प्रश्रय दे रहा था। इसी दौरान एक घटना हुई कि 18 जून को कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के सरे में एक गुरुद्वारा के बाहर अलगाववादी नेता निज्जर की गोली मार करके हत्या कर दी गई। ट्रूडो ने संसद में कहा कि कनाडा की खुफिया एजेंसियां खालिस्तान समर्थक सिख नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार का हाथ होने के आरोपों की जांच करा रहा है। बस इसी के बाद संबंध और बिगड़े। आपको बता दें कि जब भारत और कनाडा में तनाव बढ़ा तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन समेत तमाम देशों ने अपनी बात तो रखी, लेकिन किसी ने भी कनाडा का समर्थन नहीं किया। सब ने यही कहा कि पहले इसकी जांच होनी चाहिए। भारत कह रहा है कि कनाडा के आरोपों में कोई दम नहीं है। दरअसल कनाडा इस इशू को संप्रभुता से जोड़ करके बड़ा मुद्दा बनाना चाहता है, लेकिन पश्चिम इसके लिए तैयार नहीं हुआ। अब देखते हैं कि जस्टिन ट्रूडो को उनके दोस्त क्या सलाह देते हैं, क्या वो अपनी गलती मानेंगे और भारत के साथ संबंधों को ठीक रखेंगे, भारत भी नरम रुख अपनाएगा या अपनी ये तनातनी बढ़ेगी। इस पे हमारी नज़र रहेगी। रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।